नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ग्रेड 6 बॉल्डनेस डिस्कस करने जा रहा हूं। ग्रेड 6 बॉल्डनेस क्या होती है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट के लिए, ऑप्शंस अवेलेबल हैं भी या नहीं, क्या इसका इलाज हो सकता है नहीं हो सकता, और अगर हम ट्रांसप्लांट से इलाज करते हैं तो रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको लाइव रिजल्ट्स भी दिखाएंगे और बिफोर आफ्टर का कंपैरिजन भी दिखाएंगे। अगर आप स्थिति से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्रेड 6 बॉल्डनेस है क्या। ग्रेड 6 बॉल्डनेस हम तब लेबल करते हैं जब स्कैल्प को या जो सिर का ऊपर का भाग है उसे देखने में ऊपर से हमें बिल्कुल मामूली या कुछ भी बाल नजर नहीं आते, उसे हम ग्रेड 6 बॉल्डनेस कहते हैं। ये जो लास्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है लाइक ग्रेड 7, उससे जस्ट एक स्टेप पीछे है। ग्रेड 7 बॉल्डनेस में कई बार हमारे पास डोनर एरिया की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास ऑलमोस्ट नील के बराबर है। अब ग्रेड 6 बॉल्डनेस में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, तो दो कैटेगरीज में मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगा। अगर इसके ट्रीटमेंट में आप एक बॉल्ड लुक चाहते हैं, एब्सोल्युटली बॉल्ड लुक, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी सिंपल कि सिर्फ हेड को शेव करके रखिए, कम्प्लीटली बॉल्ड लुक आप कैरी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन। स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन में अगेन आपको पूरा हेड शेव ही करके रखना पड़ेगा, पर वो काफी ज्यादा नेचुरल लगेगा बिकॉज जो ऊपर का हिस्सा है उस पे बालों की बिल्कुल एग्जैक्ट साइज, कलर और शेप को देखते हुए जो आपका पेरिफेरल डोनर एरिया में उसके अनुसार डॉट्स लगाए जाते हैं, माइक्रो डॉट्स लगाए जाते हैं, तो एक कंप्लीट लुक आती है। ऐसे लगता है कि ये बाल तो है बट शेव करके रखा हुआ है। सेकेंड कैटेगरी है कि अब आपको बाल चाहिए। अगर बालों वाली लुक अगर आपको चाहिए तो फिर फर्दर दो ऑप्शन हैं। पहला तो विग या पैच और सेकेंड है हेयर ट्रांसप्लांट। अब विग या पैच की बात करते हैं तो ये एक आर्टिफिशियल हेयर सिस्टम रहता है, होते नेचुरल ह्यूमन हेयर ही हैं, बट इनको सिर के ऊपर पेस्ट किया जाता है, एक कैप रहती है, कैप के ऊपर बाल होते हैं, बाल जो हैं वो कैप के अंदर वीव किए हुए होते हैं या सिले हुए होते हैं, और उस कैप को स्कैल्प के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि कुछ लोग जो पेस्ट, जो बॉन्डिंग के लिए पेस्ट हम लोग यूज करते हैं, उस पेस्ट से एलर्जिक रहते हैं। एलर्जी की वजह से रेडनेस, खारिश, इरिटेशन वो परसिस्ट करती है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को, इस साइड इफेक्ट की वजह से सहन नहीं कर सकते और पैच को अबेंडन कर देते हैं, यानी कि उसका यूज़ इस्तेमाल बंद कर देते हैं। दूसरी समस्या पैच के साथ ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 महीने के बाद पैच आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि रिपीटेड वॉशिंग, बार बार ऊपर से वॉश करने से, धोने से, कंघी करने से, आर्टिफिशियल बाल हैं ये और नीचे जो एक कपड़े के ऊपर बुने हुए हैं, तो धीरे धीरे बाल झड़ते रहते हैं, इवेंचुअली पैच खाली हो जाता है और आपको फिर से एक नया पैच खरीदना पड़ता है। अच्छी क्वालिटी का पैच 13-14 हज़ार का आता है, तो साल का एक समझ के चलिए आप, हर महीने आपकी जो सर्विसिंग है वो अंदाज़ा सेंटर टू सेंटर डिपेंड करती है, बट 600 से लेके 1200 के बीच में पर जो सर्विस का चार्जेस रहते हैं, प्लस आपका पैच का खर्चा, ओवरऑल मिला के कॉन्टिन्यूस आपको इसमें इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है अपनी एक लुक को मेंटेन करने के लिए। अगला फ्लॉ इसमें यह है कि पैच से एकदम से लुक चेंज हो जाती है, तो अगर आपकी पब्लिक इमेज पहले एक बॉल्डनेस की है तो वो एकदम से आपका बहुत ज़्यादा चेंज ओवर हो जाता है, तो कई बार वो थोड़ा सा अटपटा लगता है और आदमी अपने आप को नई परिस्थितियों के अंदर प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अब बात करते हैं ट्रांसप्लांट की, जो कि एक नेचुरल प्रोसीजर है। नेचुरल प्रोसीजर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आप ही के बालों को स्कैल्प के पीछे से लेके और आगे जो बॉल्ड एरिया है, ऊपर का जो बॉल्ड एरिया है टॉप ऑफ द हेड, वहाँ पे उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, यानी कि उसको वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे लगाया जाएगा। बट इसके लिए हमारी प्रीरिक्विजिट या हमारी मेन जो आवश्यकता है वो ये है कि जो आपका डोनर एरिया है उसके अंदर सफिशेंटली इतने हेयर के रूट्स होने चाहिए जो के फ्रंट वाले बॉल्ड एरिया को कवर कर ले। जो लाइव सब्जेक्ट जिनके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, इनकी उम्र है अप्रॉक्सीमेटली 26 से 27 साल, मैरिज से पहले इनका ये पूरा एरिया कम्प्लीटली बॉल्ड हो गया। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने पैच भी यूज करके देखा बट उसको बहुत अच्छे से ये सहन नहीं कर पाए, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 महीने के बाद इन्होंने पैच यूज करना बंद कर दिया।
अपने किसी मित्र के रेफरेंस से हमारे पास पहुंचे, जो फर्स्ट इवेल्युएशन रहा उसमें हमने ये देखा कि डोनर एरिया इनका काफी अच्छा है, बेहतरीन है डोनर एरिया। डोनर एरिया जब बेहतरीन की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रीरिक्विजिट ये रहता है कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स यानी कि नंबर ऑफ जो रूट्स जड़ें उनकी मात्रा हमारे पास अच्छी है, फिर एक जड़ के अंदर जो नंबर ऑफ हेयर हैं वो सफिशिएंट हैं। ऑन एन एवरेज इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए मैं मान के चलता हूँ बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ऑलमोस्ट रेशियो आपकी 2.5-3 के बीच में रहनी चाहिए। अब इनके केस में हमने 4875 टू बी प्रिसाइज इतने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हमने इनके ट्रांसप्लांट किए और सिंगल डे में किए। नियोप्लेटिनम जो हमारी टेक्निक है फास्टेस्ट टेक्निक है अब तक की, उससे किए तो उसमें समय भी हमारा कम लगता है, ओवरऑल क्लाइंट जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं एंड पूरा प्रोसेस एक ही दिन में फिनिश होकर तो आप वापस अपने घर सेम डे जा सकते हैं अगर आप नज़दीक किसी जगह से हैं। अगर आप दूर से हैं तो ऑफकोर्स एक रात स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप निकल। ये आप अभी जो इमेज देख रहे हैं ये बिफोर ट्रांसप्लांट की है, फ्रंट से देखिए दोनों साइड से और टॉप ऑफ द हेड्स, और इसमें इन्होंने जैसा मैंने पहले बताया कि पैच ये यूज़ कर चुके हैं तो अभी हमारे पास सीधा ट्रांसप्लांट की ऑप्शन थी। डोनर एरिया इनका हेल्दी, सिंगल डे में ट्रांसप्लांट किया तो आप इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट की जो इमेज है वो देखिए और आप देख सकते हैं कि फ्रंट टू बैक पूरा अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट इमेज हमारे पास है वो है अंदाजा 6-6.5 मंथ्स के आसपास, क्योंकि ये दूर से थे तो रिपीटेडली पीआरपी के लिए नहीं आ पाए तो इनकी फर्स्ट पीआरपी 6-6.5 महीने के आसपास ही हम लोग कर पाए थे। अगली इमेज में आप देख रहे हैं कि इनका एक साल के इंटरवल पे रिजल्ट जो है वो कितना नेचुरल और किस तरीके से बेहतरीन रिजल्ट आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन। रिजल्ट में जो देखने लायक चीज़ें रहती हैं वो ये रहते हैं कि हेयरलाइन नेचुरल रहे, बहुत नीचे लगाए हुए बाल या माथा बहुत छोटा कर दिया जाए तो अटपटा लगता है। वो उम्र के हिसाब से कहीं ना कहीं हमारी हेयरलाइन की रिसीडिंग नेचुरल रिसीडिंग को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये आपके सर्जन का डिसीजन रहता है कि फेस के अकॉर्डिंग कौन सी हेयरलाइन आपको मेच्योरिटी के साथ अच्छी कवरेज भी दे। और हेयर ट्रांसप्लांट में ज़्यादा कवरेज की बजाय जो डेंसिटी है उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए तो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ज्यादा नेचुरल दिखाई देता है। फिर आता है कि आपके बालों की डायरेक्शन जो इजेक्शन है स्किन से जो बाल बाहर निकलेगा उसका एंगल कैसा है, वो नेचुरल एंगल है, वर्टिकल प्लेस कर दिया है या बिल्कुल स्किन के साथ सटा के बाल निकल रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका फाइनल रिजल्ट कैसा दिखाई देगा, नेचुरल या अननेचुरल। अब इस केस में आप देखिए वीडियो में आप इजीली देख सकते हैं कि एक तो पूरी कवरेज है एक्सेप्ट फॉर के जो बिल्कुल लास्ट का अप्रॉक्सीमेटली 5-7% एरिया है वहाँ हल्की आपको वीकनेस दिखाई देगी, अदरवाइज पूरा हेड फ्रंट टू बैक कम्प्लीटली कवर्ड है। बालों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, बालों की डायरेक्शन एब्सोल्युटली नेचुरल है, क्लीन हेयर लाइन है, आपको कहीं नॉबी या प्लग वाला आपको लुक नहीं आएगी। एंड आप डोनर एरिया पे फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डोनर एरिया इवन आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5000 ग्राफ्ट्स बिल्कुल आपको जैसा पहले था वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये है ग्रेड 6 बॉल्डनेस के अंदर ट्रांसप्लांट और उसका आपको बाद में रिजल्ट। दोस्तों बहुत ज़्यादा गौर करने की बात है कि जब भी आप ट्रांसप्लांट करवाएं कोशिश करें एक ही दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपके प्लांट हो जाएं। 2 दिन के प्रोसीजर में एनेस्थीजिया मेडिसिन तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है और स्वेलिंग वगैरह आपकी अप्रॉक्सीमेटली 8-10 दिन तक प्रोलॉन्ग रह सकती है। इसीलिए जो नियोप्लेटिनम हम लोग का प्रोसीजर है जो कि सिंगल डे प्रोसेस है, इसमें और FUE में क्या डिफरेंस है वो मैं ऊपर आपको लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप इजीली देख सकते हैं। और बेस्ड अपॉन दैट हम ये प्रॉमिस करते हैं क्लाइंट को कि आपका रिजल्ट बेहतरीन और नेचुरल आएगा। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हम लोग पूरी शिद्दत के साथ आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्वालिटी वीडियोस के लिए एब्सोल्युटली नेचुरल और ऑथेंटिक वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। कुछ लाइव सर्जरीज भी हैं हमारे पास अभी, उन सर्जरीज का वीडियो भी मैं अभी अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, उसे देख के भी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। ग्रेड 6 या ग्रेड 7 बॉल्डनेस के अंदर भी हम अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट
कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।